फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ये चने की चाट बनाने चल रहे हैं। तो हमने रात में एक कटोरी चना भिगोया था। ये हमारा चना देखिए फूल गया है। अब इसको हम कुकर में एक सीटी लगा के बॉयल करेंगे। ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा है चाट मसाला है, आधा छोटा चम्मच। थोड़ा सा ये है हमारा गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच थोड़ा सा मिर्चा पाउडर। अब हम इन मसाले को घोल बनाएंगे। ये आधा छोटा चम्मच हमने अचार मसाला लिया है, इसको भी मिला रहे हैं इसी में। ये हमारा तेल गरम हो गया है, हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, हल्का सा हम इसमें अदरक घिसेंगे। इसमें हम मसाला मसाला को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा हमारा मसाला पक जाए तो हम इसमें चना डालेंगे। अब इसमें हम चने को डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, पका ले रहे हैं। ये हमारा चना और मसाला दोनों पक गया है। इसमें हम निकाल लेते हैं, प्याज और लगाते हैं, गैस हम बंद कर देंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हम चना प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम प्याज मिलाएंगे और ये छोटा टमाटर लिए हैं, काट लिए हैं छोटा छोटा पीस में, इसको मिलाएंगे हम। हरा मिर्च मिलाएंगे। इसमें हम जीरा पाउडर है, भुजा हुआ जीरा है, इसको मिलाने चल रहे हैं। ये काला नमक हम मिला रहे हैं इसमें, बहुत हल्का सा। ये हमारा गाजर है, इसको मिला रहे हैं। इसमें हम नींबू डाल रहे हैं। इसको भी मिला ले रहे हैं इसमें। ये हमारा चना चाट बन के रेडी हो गया है दोस्तों। ये हमारा चना चाट रेडी है। इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।